तो वेलकम गाइस टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपने रॉटवीलर को खुश और स्वस्थ रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि रॉटवीलर बहुत ही सुंदर ब्रीड है और मजबूत ब्रीड है, लेकिन उसके साथ साथ ये दिल के भी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं और बहुत अच्छे एक फैमिली डॉग बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिए इस पूरे ब्लॉग को। गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से देख सकते हो कि सुबह सुबह डॉलर उठाने आ चुका है और इसका रोज का काम है, और इसको सुबह सुबह उठ के हक करना जो मेरा सबसे पहला काम है, उसके बाद सब दुनियादारी देखनी पड़ती है। सुकून मिलता है भाई, सुकून। सो भाई हाँ, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो होने वाला है ना, वो है इसके लिए लीश खरीद के लेके आना, क्योंकि जो पुरानी लीश जो थी, जो ब्लू कलर की लीश आपने वीडियोस में देखी होगी, वो पता नहीं कहाँ खो चुकी है। और चेन से जो है, इसकी चेन वाली जो लीश है, उससे इसको घुमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हाथ जो है पूरे भिज जाते हैं क्योंकि खींचता बहुत ज़्यादा है। घूमने हाँ चलेंगे बेटा, अभी घूमने चल रहे हैं। और सुबह सुबह ये आके बोल रहे हैं कि भैया चलो मुझे पार्टी वार्टी आई है घूमने आने। देखो उधर देखो, सबको हेलो हाई कर दो। हाँ तो ये आपका प्यारा सा डॉलर। तो भाई चलो उठते हैं, इसको घुमाते हैं, उसके बाद इसके लिए लेके आते हैं लीश, ठीक है। सो हाय गाइस, नहा लिया हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे खा रहा है खाना, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना सुबह उठते ही, वो आपको अपने डॉग को देना है खाना, क्योंकि डॉग पूरी रात भूखा रहता है और उसकी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। लाइक ये ह्यूमंस की बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, तो आप उसको जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन सुबह सुबह उठ के दोगे ना, उसकी पूरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। पूरे दिन आप चाहे फिर उसको कुछ भी दें, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन सुबह सुबह की जो ब्रेकफास्ट मील है ना, जो डॉग्स के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने भी सप्लीमेंटेशन आप देते हो, चाहे मल्टीविटामिन दे रहे हो, चाहे उसको ओमेगास दे रहे हो, चाहे डॉग फूड दे रहे हो, चाहे कोई भी फूड दे रहे हो, उसका एक बैलेंस न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी इसको दिया है दलिया, दही और इसके मल्टीविटामिन डाले हैं, और उसमें थोड़ा सा डाला है मैंने टर्मरिक, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी है और टर्मरिक जो है बहुत अच्छा काम करती है, और साथ के साथ डिवॉर्मिंग का भी काम करती है, तो वो मैंने इसको दिया है। सेकेंडली, जो लोग पूछ रहे हैं भैया पपीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा डाइट के बारे में, कि रॉटवीलर को, मैं अपने रॉटवीलर को क्या डाइट देता हूँ, तो मैं उन लोगों को फिर बोलूँगा कि आप जाके यूट्यूब चेक करें, यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ डली हुई है। सेकेंडली, इंस्टाग्राम फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे इसकी डेली अपडेट जाती हैं, स्टोरीज जाती हैं, सारे क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग जितने भी होते हैं सब इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसकी लीश लेने, क्योंकि लीश लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा हाथ इसने दो तीन जगह से खींच दिया है, ठीक है। देखिए ये रेडी हैं घूमने के लिए, ये घूमने के लिए रेडी हैं, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसकी लीश नहीं है, तो मैं पहले लीश लेके आऊँगा फिर इसको घुमा के लाऊंगा। चलें क्या, चलें क्या घूमने? गेट खोलो, खोलो गेट। अरे गेट खोल लो, देखना मैं करूँगा इसको, दिखाऊंगा ना, गेट खोलो, देखो किस तरीके से खोलता है। खोलो गेट। ये नहीं खुल रहा, क्यों? दोबारा खोलो। हाँ अटेम्प्ट करो दोबारा, क्या पता खुल जाए बेटा, खोल के देख। अच्छा मैं खोलूँ? ए हाँ खोलो, अब खोलो। प्रैंक हो गया, नहीं खुल रहा क्या? आंटी देखना, आंटी आ गई खाने वाली, और कैसे इसके एक्सपोजर में भी। कौन है डॉलर, कौन? क्या आंटी, बाहर को लेके जाऊं और क्या करूं, ऐसे ही आ जाओ? अरे कुछ कह थोड़ी ना रहा है, अपने आदमी के अकेली हो तो किसकी दो दो तीन तीन हो। निकाल रहा हूं, निकाल रहा हूं। नीचे जाओगे ऊपर? अच्छा देखो, काम वाली आंटी आ गई, बचपन से ऐसे देख रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में इतना डर है ना इसे लेके, क्योंकि ये किसी को आने ही नहीं देता है भाई, क्योंकि ये इसकी टेरिटरी है। डॉलर, डॉलर कौन है, कौन है भाई? चलो घूमने चलते हैं, तो चलो घूमने ला रहा हूँ मैं, तेरी लीश लेके आ रहा हूँ। मैंने डॉलर को अंदर बंद कर दिया है, लगा दिया कुंडी, यहाँ से कुंडी रह गई भाई। एक मिनट रुको, इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने वाली आंटी आई हुई है, और रिएक्शन देखना। आ जाओ आंटी। कहाँ गई? हाँ ड्राइंग रूम में बांध दिया है इसकी, वो ना मिल रही पट्टा, पता नहीं आपने कहाँ खो दिया। अरे आपने सफाई करी थी ड्राइंग रूम में, आ जाओ बंद रहा है, वो बांध दिया मैंने अंदर, कुंडी लगा दी। बचपन से आपके संग है फिर भी बताओ। अरे वो मैंने कुंडी लगा दी ना लोहे वाली,
हाल ना करे इसलिए गुस्सा रहता है आपकी वजह से, बंधना पड़ता है इसको। हाँ अब देखो क्या हो गया। पहनने से डराने की कोशिश करें। आइए गाइस चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि भाई आपको अपने रॉटवीलर को सोशलाइज बनाना है। तो जिन लोगों के भी मन में नेगेटिव धारणा है कि रॉटवीलर बहुत खतरनाक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो इस चीज़ को दूर करना है। और इस चीज़ को आप कैसे करेंगे सोशलाइज, आप अपने रॉटवीलर को पार्क में घुमाइए, गाड़ी में घुमाने ले जाइए, अपने जो पेट डॉक्टर है उसके पास लेके जाइए, सोशलाइज बनाइए, वो दोनों चीज़ों को देखेगा तो एक अलग डॉग निकल के आएगा। नहीं तो फिर इसमें रॉटविलर में और बाकी के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, और आपके दिमाग से भी एक चीज़ निकल जाएगी या अपने घर से बाहर है तो आपका जो डॉग है वो आपके फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहेगा, जो कि बहुत होना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रॉटविलर के लिए, वो है उसका खाना। जिस तरीके से आपको पता है कि रॉटविलर बहुत ही ज़्यादा मजबूत ब्रीड है, तो उस तरीके से उसको खाना भी देना है। सो इट्स नॉट लाइक द अदर डॉग्स। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रॉटविलर को रॉ फूड दें। रॉ फूड में लाइक चिकन दें, मटन दें, फिश दें, ठीक है, घर का बना हुआ खाना दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा एक्टिव कुत्ता है तो उसको ज़्यादा ही फूड चाहिए होता है और अच्छा फूड चाहिए होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डॉग फूड आप कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रोज़ आप अपने डॉग को डॉग फूड के ऊपर ही रखें। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है करेक्ट एनर्जी। करेक्ट एनर्जी मींस अपने रॉटविलर्स को आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जिस तरीके से रॉटविलर के आप लीडर हैं तो वह अपने मालिक को ही देख के ज़्यादा चीज़ सीखता है। अगर आप एक्टिव हैं तो रॉटविलर आपका बहुत एक्टिव होगा, अगर आप लो हैं तो रॉटविलर आपका बहुत लो होगा। दूसरा, उसको ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइम पे मेरा जो मालिक है वो कूल है, तो उस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, वो आपकी सिचुएशंस को समझेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉटविलर्स की जो बाहर जो वैल्यू है और जो बहुत चीज़ें हैं वो है बैड रुतबा है इसका। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने डॉग के साथ एनर्जीज को मैच कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इससे आगे वाला पॉइंट है एक्सरसाइज। आपको अपने रॉटविलर्स को एक्सरसाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव ब्रीड होते हैं और इनको बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इनको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो इनको डिस्प्लेशिया, स्वर्म डिस्प्लेशिया, बहुत सारी ऐसी बीमारी होने लगती हैं। तो आपको उनसे बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। और फिर मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से ओनर रहेगा उस तरीके से रॉटविलर बनेगा। अगर आप एक्टिव हैं तो आपका डॉग भी एक्टिव रहेगा और वो चीज़ों को समझेगा, गार्डिंग से लेकर हर चीज़ को समझेगा। उससे अगली चीज़ आती है जो कि है हेल्थ चेकअप्स। आपको अपने डॉग के, अपने रॉटविलर के हेल्थ चेकअप्स कराने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कभी कभार लो हो जाती है जिससे कि बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो आपको हेल्दी चेकअप कराने इसके हमेशा इंपॉर्टेंट है। और इसी के नहीं, अगर आप और भी कोई पेट ओनर्स हैं तो आप अपने डॉग के ये चीज़ें कराएं, क्योंकि जितने भी आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है अपने रॉटविलर को काम दीजिए, गिव हिम अ जॉब। बिकॉज आपके डॉग का स्मार्ट होना, इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक फैमिली का पार्ट है। तो जैसे कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो अपने डॉग को साथ लेके जाइए, उसको ये चीज़ समझ में आएगी। आप कोई काम कर रहे हैं, कूड़ा बाहर फेंकने जा रहे हैं तो उसको लेके जाइए। अगर आप उसको ग्रिप कराना सीख सकते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे तरीके से आप घर में बॉल छुपा सकते हैं, उसकी स्निफिंग पावर बढ़ा सकते हैं, तो इससे क्या है कि आप उसको जब ट्रीट्स देंगे, उसको ओबलाइज करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि एक हेल्दी रॉटविलर का मन प्रसन्न रहता है। तो वो एक जीवन जो उसको जीने के लिए दिया गया है तो उसको लगता है कि उसके भी जीवन का कोई एक उद्देश्य है। तो उस चीज़ को आप डीपली समझ सकते हैं, जो मेरा कहने का मतलब है। तो रॉटविलर वैसे भी आपको पता है कि वर्किंग डॉग्स हैं, उनको काम करना बहुत पसंद है, इनके इनहेरिटेंस टाइम्स में जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छे लेबर डॉग्स, एक बहुत अच्छे वर्किंग डॉग्स रहे। चलिए अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रूमिंग एंड वैक्सीनेशन। ग्रूमिंग और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हो कि रॉटविलर का कोट बहुत प्यारा होता है, ब्लैकिश होता है और बहुत ही प्यारा लगता है रॉटविलर, तो आप उसको टाइम टाइम पे अपने पेट के पास लेके जाएं, ग्रूमिंग सेंटर लेके जाएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन उसकी कराएं, टिक्स जो है वो निकलवाएं, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कहीं पे कोई
स्किन इन्फेक्शन है तो उसको साथ के साथ क्योर करें, होम रेडीमीज उसको दें। और अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि उसको इस चीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप उसको दें, जिससे कि एक आपका रॉटवेलर भी हैप्पी रहेगा और खुश रहेगा और सुंदर लगेगा। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। टाइम टाइम से नहलाना है उसका, कोट शाइनर लगाना है उसको, फर के लिए कोई अच्छा जो है सप्लीमेंट देना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने डॉग के लाइफ में करनी होती है, बिकॉज हम एक पैट ओनर हैं और ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हम पीछे नहीं हट सकते। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखी है और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और अपनी सलाह भी ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाके इंस्टाग्राम का ज़रूर चेक करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।